नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं जानकारी मैटर्स। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत, यानी कि फाइनेंशियल आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, किस तरह से बचत कर सकते हैं, आज के इस टॉपिक को जानेंगे और आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे कहां पर सेविंग करनी चाहिए, क्या तरीका है पहला निवेश का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो महामारी आई हुई थी, 2 साल से हम लोगों ने झेला, मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास दोस्तों बचत होनी चाहिए। परेशानियां और बुरा वक्त कभी भी आ सकती है, इसीलिए इन सभी से बचने के लिए जरूरी है बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों यदि आपके पास किसी भी स्रोत से पैसा आने लगा है तो उसका उपयोग सही तरीके से करना आज के डेट में दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये आर्टिकल छपा है, उसी आर्टिकल के जरिए मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं सेविंग का ये बहुत अच्छा इमेज भी है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से कहाँ सबसे पहले और कहाँ दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, किस तरह से सेविंग करनी चाहिए। पैसा आने के बाद ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए तत्पर रहते हैं जिनसे ज़्यादा रिटर्न मिल सके, जो सही भी है, लेकिन आपके निवेश का चयन सही क्रमांक में होना चाहिए। आज दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और सबसे पहला निवेश दोस्तों कहाँ किया जाना चाहिए। सबसे पहले क्या खरीदें? इंश्योरेंस। वित्त सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति का पहला जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि निवेश, इंश्योरेंस में दोस्तों होना चाहिए। आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान जैसे विकल्पों यानी कि ऑप्शन को चुन सकते हैं। इनकी शुरुआत जितनी जल्दी की कर दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे कम प्रीमियम में अच्छा कवरेज मिल सके। तो आप दोस्तों समझे कि इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। कैसा इंश्योरेंस लेनी चाहिए तो मैंने बता दिया, PPF। इंश्योरेंस के बाद आपको अपनी कमाई के एक हिस्से को PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करना चाहिए। यह सरकारी योजना है दोस्तों, जिसमें निवेश करने से आपको कम, मतलब आपको कर में यानी कि टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और तय समय बाद तय राशि मिलती है। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में निवेश सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे SIP भी कहते हैं दोस्तों, के जरिए कर सकते हैं। इसमें आप अपने आय यानी कि इनकम बढ़ाने के साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। इसमें इसे भी ज़्यादा जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें एक समय के बाद दोस्तों आपके पास काफ़ी फंड जमा हो जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि तुरंत दोस्तों आपको इसका लाभ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP ओपन करते हैं तो उसे दिमाग में सेट करना होगा कि 10 साल मतलब 15 से 20 साल के लिए आपको भूल जाना है। आप हर महीने 2000, 3000, 5000, 10000 जितना भी आपको है, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं SIP को। और जब भी आप खोले तो ये माइंडसेट रखें कि 20 साल के बाद ही मुझे उसका रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी अच्छा खासा मिलता है दोस्तों। एमरजेंसी फंड, कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय एक हिस्सा एमरजेंसी के लिए ज़रूर रखें। ये नहीं कि जितना मतलब कमा रहे हैं और जितना बचत हो रहा है खर्च करने के बाद सभी को एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिए, नहीं। मान लीजिए आप 100% में 70% खर्च कर रहे हैं, 30% बच रहा है, तो 10% कुछ जगह इंश्योरेंस में लगाइए, 10% आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, मतलब इस तरह से डिवाइड करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मतलब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से रक्षा के लिए यह फंड बहुत ज़रूरी है। इसका फायदा उस वक्त होगा जब आपको अचानक धन की आवश्यकता नीड हो गई और जिसके लिए आपको अपनी बचत को कम नहीं करना पड़े। RD यानी कि आवर्ती जमा, RD रेकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, यह आपको कम समय के निवेश में सहायता करता है। इसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है जिसमें कम लेकिन फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है, जिससे आप सालाना इंश्योरेंस किस्त जैसे खर्चों को
कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि मैंने आप लोग को बताया। बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि कभी भी हमारे आपदा आ सकती है, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, तो ज़रूरी है खर्च करने के साथ साथ जमा भी करें दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप जानकारी, बिकॉज जानकारी मैटर्स।